दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बनाने का प्रयास किया है। इस उपग्रह का नाम लिग्नोसेट है, जिसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। इस उपग्रह अगले सप्ताह एक स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के द्वारा भेजा जाएगा। लिग्नोसेट को कक्षा में 6 महीने तक रखा जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि लकड़ी अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में कैसे प्रदर्शन करती है। इस परियोजना में पूर्व जापानी अंतरिक्ष यात्री ताकाओ डोई का भी योगदान है, जो क्योटो विश्वविद्यालय की टीम का हिस्सा है। उसका मानना यह है कि इस परीक्षण से यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग अंतरिक्ष में किया जा सकता है। लिग्नोसेट के सफल परीक्षण से भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर पेड़ लगाने और लकड़ी के घर बनाने जैसी संभावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। लिग्नोसेट के बारे में, इस उपग्रह में जापानी होनोके वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया गया है। यह लकड़ी पारंपरिक रूप से जापान में आसानी से प्रसंस्करण योग्य, मजबूत और न टूटने वाली मानी जाती है। जो उपग्रह अपने जीवन के अंत में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो यह बिना प्रदूषण फैलाए जल पर समाप्त हो जाएगा। धातु निर्मित उपग्रह जलाने के दौरान प्रदूषणकारी धातु के कण छोड़ते हैं, जबकि लिग्नोसेट से ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।